वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। वंस अगेन यू आर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक इज वर्ड पावर 47। इस वर्ड पावर की सीरीज नंबर 47 आप पहुंच गए हो। और आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फटाफट नोट कर लें। फर्स्ट वर्ड इज इन्वेक्टिव, इन्विटरेट, इरेसिबल, आयरोनिक, इरिवोकेबल, इटिनरेंट, जुडिशियस, जक्स्टापोज, काइनेटिक और लैबिरिंथ। और जैसे आपको पता है कि ये जो भी वर्ड हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मोस्ट पावरफुल वर्ड्स हैं, ये आपकी वर्ड पावर को इम्प्रूव करेंगे। दैट्स वाई इस टॉपिक नाम ही होता है वर्ड पावर, और आपको आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और आपको पता है, आपको इनको पढ़ने का तरीका भी आपको पता है कि बस हमें एटिमोलॉजिकल अप्रोच लेके चलना होता है। इसका रूट वर्ड क्या है, इसके प्रीफिक्स क्या है, इसके सफिक्स क्या है, इस पर काम करना होता है। और अगर हमें किसी वर्ड की रूट नहीं पता होती तो निमोनिक बना करके, निमोनिक मतलब होता है कोई ना कोई एक कहानी बना करके या माइंड मैपिंग करके इन वर्ड्स को हम तैयार करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला वर्ड, योर फर्स्ट वर्ड इज इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब होता है इंसल्टिंग और एब्यूजिव स्पीच। इंसल्टिंग और एब्यूजिव स्पीच का मतलब होता है गाली गलौज वाली भाषा, अपमानजनक भाषा इन्वेक्टिव कहलाती है। कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स आर इन्वेक्टिव। कैसे होते हैं? इन्वेक्टिव होते हैं मतलब इंसल्टिंग होते हैं। या पॉलिटिशियंस आर एक्सपर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन्वेक्टिव, अपमानजनक भाषा को व्यक्त करने में एक्सपर्ट होते हैं। वी शुड नॉट बी इन्वेक्टिव, हमें इन्वेक्टिव नहीं होना चाहिए अपनी स्पीच में। तो इंसल्टिंग एब्यूज क्या कहलाती है? इन्वेक्टिव। मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स राइट इन्वेक्टिव अगेंस्ट द न्यू ऑथर्स। बहुत से क्या करते हैं, इन्वेक्टिव लिखते हैं, इंसल्टिंग स्पीच लिखते हैं नए ऑथर के लिए। अगला वर्ड आपका है इन्विटरेट। बच्चों इन्विटरेट का मतलब होता है हैबिचुअल, HABITUAL हैबिचुअल। ये कह सकते हैं हैबिचुअल कह सकते हैं डीप रूटेड। डीप रूटेड जो चीजें आपकी फर्म इन हैबिट, अगर आप अपनी हैबिट में फर्म हैं, आदत से मजबूर हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? इन्विटरेट कहलाते हैं, हैबिचुअल कहलाते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जैसे देयर आर मैनी इन्विटरेट ड्रंकर्ड, इन्विटरेट ड्रंकर्ड होते हैं, इन्विटरेट स्मोकर होते हैं। इफ अ पर्सन इज इन्विटरेट स्मोकर मतलब ही इज हैबिचुअल इन स्मोकिंग। तो किसी काम में हैबिचुअल हो जाना तो कहलाता है इन्विटरेट। जैसे आई एम एन इन्विटरेट रीडर, अगर मैं हैबिचुअल रीडर हूं क्या कहलाऊंगा? इन्विटरेट रीडर। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब होता है इजली एंगर्ड, ANGERED, इजली एंगर्ड, जिसे आसानी से नाराज किया जा सके। ये कह सकते हैं एनॉयबल, जिसे आसानी से नाराज किया जा सके, आसानी से प्रवोक किया जा सके, इरेसिबल कहलाता है। जैसे अगर कोई इंसान आसानी से नाराज हो जाता है तो क्या होता है? इरेसिबल होता है। जैसे इन एवरी लोकलिटी वी हैव सम इरेसिबल पीपल, हर लोकलिटी में कुछ ना कुछ इरेसिबल लोग होते हैं। और वो कैसे होते हैं? दे आर ईजली प्रवोक्ड। जैसे सपोज इफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क एंड इफ देर इज एन इरेसिबल पर्सन, ही विल बी एंगर्ड विद दैट गेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, गेम्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो इरेसिबल होता है ईजली, आसानी से नाराज हो जाने वाले। फिर से कह सकते हैं
द गुड हैबिट इज दिस वी शुड नॉट बी इरेसिबल। अच्छी आदत यह है कि हमें इरेसिबल नहीं होना चाहिए, ईजिली एंगर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इरेसिबल पीपल गेट इन ट्रबल ईजली, ऐसे लोग आसानी से मुसीबत में पड़ जाते हैं। अगला वर्ड आपका है आयरोनिक, बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका आयरोनिक। आयरोनिक का मतलब होता है मीनिंग अपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आई टी, मीनिंग अपोजिट व्हाट यू वांट टू से, जो आप कहना चाहते हैं उसका अपोजिट मीनिंग जो होता है दैट इज कॉल्ड द आयरोनिक। बच्चों आयरोनिक मतलब होता है व्यंगात्मक, आयरोनिक आयरोनी से बनाया गया है, आयरोनी व्यंग है, ये एक लिटरेरी टर्म होता है, लिटरेरी टर्म होता है, आयरोनी होता है, सैटायर होता है, ह्यूमर होता है, फार्स होता है, ये लिटरेचर के फॉर्म होते हैं। आयरोनी मिस व्यंग होता है, आयरोनी का एडजेक्टिव आयरोनिक हो जाता है, ह्यूमर मिस व्यंग होता है, ह्यूमर का एडजेक्टिव ह्यूमरस हो जाता है, सैटायर मिस व्यंग होता है, सैटायर का एडजेक्टिव सैटायरिकल हो जाता है, और फार्स मिस व्यंग होता है, फार्स का फार्सिकल हो जाता है। तो बच्चों ये समझ जाते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए इनमें फर्क क्या होता है, सैटायर ह्यूमर फार्स आयरोनी में फर्क क्या होता है, फार्स मतलब होता है एक फूहड़पन, जिसमें एक फूहड़पन दिखाई देता है, सैटायर मतलब होता है तीखा व्यंग, और ह्यूमर में होता है एक ऐसा व्यंग जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, और आयरोनी मतलब होता है एक मतलब ऐसा व्यंग जिसमें आप उल्टा बोलते हो, जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स साथ कोई व्यंग करते हो दैट इज द ह्यूमर, देन यू आर ह्यूमरस। और सटायर कैसा होता है, तीखा व्यंग कैसा होता है, सपोज मान लीजिए किसी इंसान की आपने शर्ट फाड़ दी और कहते मैं तो मजाक कर रहा था, देन दैट इज द सटायर, यू आर सटायरिकल। और आयरोनी कैसी होती, आयरोनी कैसा होता है, जैसे सपोज अगर हम किसी से कहें, जैसे कोई इंसान अंग्रेजी में बिल्कुल बेकार हो और आप बोले यार आप तो बहुत होशियार हो, आप तो शेक्सपियर हो, देन यू आर आयरोनिक, आप कैसे हो आयरोनिक है, एंड दिस इज कॉल्ड द आयरोनिक कहलाती है स्पीच, क्या कहलाएगी आयरोनिक। ऐसे ऐसे ही कोई इंसान बहुत नाटा है, उसकी हाइट नहीं है और आपको और भाई अमिताभ बच्चन जी कैसे हो, देन यू आर आयरोनिक, तो जस्ट अपोजिट बोल करके कुछ कहना आयरोनिक कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब होता है इररिवर्सिबल, आई डबल आर ई वी ई आर एस आई बी एल ई, इररिवर्सिबल। एक वर्ड होता है रिवर्स, आर ई वी ई आर एस, ये हो जाता है इररिवर्सिबल। अब देखिए बच्चों बनाया कैसे गया, एक वर्ड होता है रिवोक, आर ई वी ओ के ई, रिवोक मतलब होता है रिवर्स, मतलब वापस आना, ये वर्ब है रिवोक, वर्ब है मतलब रिवर्स होना, वापस होना, रिवोक से रिवोकेबल बना दिया गया रिवर्सिबल, जहां से वापस आया जा सकता है। और याद रखिएगा किसी वर्ड में अगर आई प्लस फर्स्ट लेटर लगा देते हैं तो वो अपोजिट बन जाता है, तो रिवर्सिबल का अपोजिट होता है इरिवर्सिबल। जैसे द पाथ ऑफ क्राइम इज इरिवर्सिबल, अपराध का रास्ता इरिवर्सिबल होता है, एक बार आप घुस गए तो आप वापस नहीं आ सकते हैं, यू कॉन्ट रिवर्स फ्रॉम द पाथ ऑफ क्राइम। कह सकते हैं इफ यू गो आउट ऑफ योर होम एंड यू बिकम एंग्री विद योर पेरेंट्स देन दैट इज द रिवर्सिबल पाथ, वापस आ सकते हो, बट इफ यू स्टार्ट क्राइम एंड यू स्टार्ट स्टीलिंग रॉबरी देन यू हैव स्टार्टेड एन इररिवोकेबल, यू हैव पुट इनटू एन इररिवोकेबल या इररिवर्सिबल पाथ। तो इररिवर्सिबल होता है जहां से वापस नहीं आ सकते, जैसे द रोड ऑफ डेथ इज इररिवर्सिबल, मृत्यु का रास्ता इररिवर्सिबल होता है बिकॉज Nobody returns from that path, उससे कोई वापस नहीं आता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है itinerant। Itinerant का मतलब होता है moving place to place। Moving place to place मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला itinerant कहलाता है। और itinerant से बनाया गया है एक itinerary, itinerary। Itinerary मतलब होता है एक प्लांड ट्रिप और प्लांड रूट, एक नियोजित कहीं की यात्रा itinerary कहलाता है। बच्चों itinerary कैसे होता है, यानी कि moving place to place, ये adjective है। अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरे जगह पर जाता रहता है तो ही इज कॉल itinerant। जैसे जो सेल्समैन होते हैं दे आर itinerant, सेल्समैन आर
आई इनहेरेंट कैसे होते हैं, या कह सकते हैं देर आर मैनी पर्सन हु आर आइटिनरेंट बिकॉज दे गो डोर टू डोर फॉर देयर सर्विस, तो ये हो जाता है आइटिनरेंट। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है एक्सरसाइजिंग साउंड जजमेंट। एक्सरसाइजिंग साउंड जजमेंट मतलब होता है अच्छा निर्णय देने वाला, जुडिशियस। बच्चों यहां पर एक रूट है जुडिस, जुडिस इज द रूट ऑफ जस्टिस। जुडिस से जुडिशियसली जुडिशियरी बनाया गया न्याय न्यायपालिका, और जुडिस से जुडिशियस बना दिया गया, जैसे कि द जज मस्ट बी जुडिशियस। जज को कैसा होना चाहिए, जुडिशियस, तो अच्छा निर्णय देने वाला जुडिशियस कहलाता है। अगला है जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब होता है प्लेस साइड बाय साइड। प्लेस साइड बाय साइड मतलब होता है पास पास रखना, पुट टुगेदर, या कह सकते हैं अपोज करना, ए डबल पी ओ एस ई, अपोज करना, पुट साइड बाय साइड कहलाता है जक्स्टापोज करना। जैसे फायर एंड फ्यूल शुड नॉट बी जक्स्टापोज, आग और फ्यूल को पास पास नहीं रखना चाहिए, तो ये हो जाता है जक्स्टापोज करना, पास पास रखना। जैसे कह सकते हैं आई हैव जक्स्टापोज्ड माई मार्कर एंड पेंसिल, मैंने मार्कर और पेंसिल को एक साथ रखने में क्या कर दिया, जक्स्टापोज करना। बनाया कैसे गया, जक्स्ट मतलब नियर और अपोज में रखना, एक साथ रख देना, जक्स्टापोज करना होता है। अगला वर्ड आपका है बच्चों काइनेटिक। काइनेटिक मतलब होता है हैविंग टू डू विद मोशन। इसे कह सकते हैं लिवली, एल आई वी ई एल वाई, या एक्टिव, लिवली एक्टिव फुर्तीला काइनेटिक कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, द कार इज काइनेटिक, द बाइक इज काइनेटिक, तो जिसमें गति होती है वो क्या कहलाता है, काइनेटिक कहलाता है, गतिशील कहलाता है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड बच्चों लोग पढ़ रहे हैं लैबिरिंथ। लैबिरिंथ मींस होता है मेज, एम ए जेड ई, मेज मींस होता है भूल भुलैया, या लाइक ए मेज भूल भुलैया कहलाता है, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट होता है घुमावदार गोल गोल, लैबिरिंथ कहलाता है। और लैबिरिंथ बन जाता है लैबिरिंथाइन, लैबिरिंथाइन एडजेक्टिव बन जाता है। इफ द बिल्डिंग इज लैबिरिंथ देन यू हैव टू फॉलो द लैबिरिंथाइन पाथ, अगर बिल्डिंग लैबिरिंथ है घुमावदार है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैबिरिंथाइन पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं लैबिरिंथ और लैबिरिंथाइन फर्क है, लैबिरिंथ नाउन है, लैबिरिंथाइन एडजेक्टिव है। जैसे होता क्या है, इफ द ऑफिसर इज नॉट गुड ही मेक्स यू टू कम अगेन एंड अगेन टू हिज ऑफिस फॉर हिज वर्क, देन ही इज डूइंग अ लैबिरिंथाइन टास्क। कैसा टास्क कर रहा है, लैबिरिंथाइन कर रहा है, यानी कि भंवरदार घुमावदार कह सकते हैं। तो ये रहे बेटा आज के आपके 10 वर्ड्स, उम्मीद है भरोसा है ये सब के सब वर्ड्स आपके तैयार हो गए होंगे। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए वर्ड के साथ। और हाँ, अगर आपको ये सब कुछ हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक इट, इसे लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट लिखें, और अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टर को खुद सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।